श्री मनोज तिवारी जी, श्रीमती राजश्री बिड़ला जी, तृतीय लायंस क्लब के इंटरनेशनल के वाइस प्रेसिडेंट श्री एपी सिंह जी, श्री डॉक्टर बी के लाठी जी, सभी अतिथिगण, सभी लायंस क्लब के लायन भाइयों और बहनों, लायंस क्लब इंटरनेशनल जिन उद्देश्यों को लेकर बना था, जिन मानवीय सेवा और मानवीय सेवा के साथ लोगों के जीवन में कैसे परिवर्तन किया जा सकता है, उसके लिए कुछ व्यापारी इंडस्ट्री सेक्टर के लोगों ने उस समय विचार किया कि हमें किस तरीके से हमारा कंट्रीब्यूशन समाज में हो, ताकि हम समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकें। और धीरे धीरे लायंस क्लब इंटरनेशनल के ने देश और विश्व के अनेक देशों के अंदर एक मानवीय सेवा के प्रतीक के रूप में एक शांति सद्भावना का संदेश लेकर लोगों के जीवन में परिवर्तन करने के लिए एक नई दृष्टि से, एक नए संकल्प से, एक नए समर्पण के साथ काम करने का विचार बनाया। और आज मुझे खुशी है कि लायंस क्लब विश्व के करीबन 200 देशों से के अंदर इसी तरीके का काम कर रहा है। भारत के अंदर भी लायंस क्लब ने अपनी सेवा समर्पण और जिस तरीके से वाइस प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि हम सामुदायिक विकास के साथ उसकी पर्सनालिटी डेवलप करना, एम्पावरमेंट करना, इसके साथ बहुत सारे काम लायंस क्लब ने देश के अलग अलग राज्यों के अंदर, गांव ढाणी के अंदर एक बहुत समर्पण से काम किया। और मुझे खुशी है कि आज उसी विषय को लेकर आपने राउंड टेबल डिस्कशन के अंदर जो एसडीजे के गोल हैं, जिस पर पूरी दुनिया सामूहिकता के साथ काम कर रही है, भारत भी एसडीजे के गोलों के लक्ष्यों पर लगातार प्रयास कर रहा है, इंडस्ट्री सेक्टर का, सर्विस सेक्टर का, और अपने अनुभव का लाभ हम किस तरीके से सोसाइटी के अंदर परिवर्तन ला सकते हैं, इसके लिए एक लंबी चर्चा की, आपने संवाद किया। और भारत में लोकतंत्र के अंदर चर्चा, संवाद, वाद विवाद, एक लंबी डिस्कशन से जो निर्णय निकलता है और उस निष्कर्ष के आधार पर हम आगे की कार्य योजना बनाते हैं, मुझे लगता है कि आपने उसी सकारात्मक दिशा के अंदर इन चारों विषयों को लेकर लायन का क्या योगदान हो सकता है। भूखमरी का विषय आपने लिया है, भारत के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों को अन्न पहुंचाने का काम किया, कोविड के समय, कोविड के बाद, अभी तक राज्य सरकारों ने भी अपने योजना बनाकर इस दिशा में सकारात्मक किया। और करीबन करीबन एक सकारात्मक दिशा के अंदर सरकारें इस पर काम कर रही है।
उसी दिशा में आपने कार्य योजना बनाई है, और मुझे लगता है कि अभी भी देश में भूखमरी जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन आपने प्रयास किया, समाज का सहयोग लिया, और हमने तो उस समय कोविड काल के समय दुनिया को हमने दिखाया कि हमारी सामूहिकता की संस्कृति, सामूहिकता के साथ काम करने की संस्कृति, और हर आपदा संकट के अंदर देश का हर व्यक्ति जिस तरीके से मनोभाव से काम किया, करोड़ों लोगों तक सरकार ने अपने काम किया, सोसाइटी ने, सिविल सोसाइटी ने, संगठनों ने, हर व्यक्ति ने जिसको जहां आंखों से दिखा, वो छोटे से छोटा 18-20 साल का नौजवान भी जब बसों पे आते लोगों को देखा तो उन्होंने कुछ ने बिस्कुट इकट्ठे किए, कुछ ने कहकर जो उनसे हो सकता था, और हमने दुनिया को बताया कि किस तरीके से हम सर्वजन सुखाय की बात करते हैं के साथ हमारी संस्कृति है, आपदा संकट के समय हर चुनौतियों से लड़ने की सामर्थ्य हमारी सोसाइटी के अंदर है। मुझे लगता है कि इस लक्ष्य को हम ऐसे प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपने लिया है। स्वास्थ्य के बारे में निश्चित रूप से कोविड के बारे में सरकार ने गंभीरता से लिया, सोसाइटी ने भी इस दिशा में सकारात्मक रोल दिखाया, और मुझे पता है कि लायंस क्लब एक ऐसी संस्था थी जिसने दूर दराज के लोगों में उस समय जब से संगठन बना उन्होंने टारगेट किया कि अंधता निवारण के लिए, और मैं जब दूर दराज के गांव में जाता था तो लायंस क्लब एक ऐसा संगठन था जिसने अंधता निवारण के लिए लक्ष्य से काम किया। मैं सोचता था कि कभी ऐसा भी हो सकता है क्या कि व्यक्ति की आंखों में कुछ मोतियाबिंद हो, काला पानी हो, अन्य बीमारी के कारण उसकी आंखों में रोशनी जा सकती है। लेकिन मैंने एक दिन जब इसके अंतर्राष्ट्रीय डे पे डॉक्टर के यहां में गया और वहां पे कार्यक्रम कर रहा था तो मुझे एक डॉक्टर मिला, और डॉक्टर ने कहा कि मैं मेरे पिताजी को लेकर आया हूं, और मैं मेरे पिताजी को लेकर अगर महीने भर पहले नहीं आता, महीने भर बाद आ जाता तो शायद मेरे पिताजी को की आंखें चली जाती। जब मुझे लगा कि कितने महत्वपूर्ण विषय को लेकर लायंस क्लब ने उस समय दूर दराज के गांवों के अंदर जहां पर लोग समझते नहीं थे, जिस तरीके कई बीमारियां ऐसी थी जिस पर लोग बहुत कम ध्यान देते थे, कम दिख रहा है, ठीक हो जाएगी, ऐसा गांव के अंदर एक मनस्थिति थी कि साहब बुढ़ापा आ गया, लेकिन उनको उसकी बीमारी का पता नहीं होता था। लेकिन कितने लाखों करोड़ों ऑपरेशन किए, लोगों की जिंदगियों को रोशनी देने का काम किया, इसके लिए मैं लायंस क्लब का धन्यवाद देता हूं। और शिक्षा के क्षेत्र के अंदर लायंस क्लब बेहतरीन काम कर रहा है, दूर दराज के गाँव के अंदर जहाँ पर स्कूल ने विद्यालय खोल रहा है, बच्चों को फैसिलिटेट कर रहा है। और जलवायु परिवर्तन का विषय एक सामूहिकता का विषय, समाज को जागृत करना पड़ेगा, सबको मिलकर काम करना होगा, संपूर्ण सोसाइटी को सामूहिकता के साथ काम करना पड़ेगा। हमारी जिंदगी की लाइफ कैसी होनी चाहिए, पर्यावरण अनुकूल होना चाहिए, इसके लिए समाज को एक सकारात्मक वातावरण बनाने की आवश्यकता है। और दुनिया के अंदर आज जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे पहले विकसित राष्ट्र चिंतित हुए जलवायु परिवर्तन के लिए, लेकिन आज भारत दुनिया के अंदर जलवायु परिवर्तन के लिए नेतृत्व कर रहा है। हमने क्लीन ग्रीन एनर्जी से लेकर कई लक्ष्यों को लेकर दुनिया के सामने अपने विचार रखे, और आज विकसित राष्ट्र भी भारत की ओर देख रहा है। ये क्लाइमेट चेंज का विषय बहुत दुनिया के अंदर बहुत चर्चा का विषय रहता है, जब हम संसद के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो सबसे विषय ये क्लाइमेट चेंज का रहता है। लेकिन क्लाइमेट चेंज के अंदर जो विकसित राष्ट्रों ने जो वादे किए थे विकासशील देशों के कंट्रीब्यूशन करने के, अब वो विकसित देश उस क्लाइमेट चेंज के विषय पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहते, ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहते,
लेकिन भारत इस विषय पर लगातार तीव्र गति से नेतृत्व कर रहा है और हमारे समाज जीवन के अंदर भी, व्यक्तिगत जीवन में भी, हमने पर्यावरण अनुकूल जीवन हमारा हो और किस तरीके से जलवायु परिवर्तन जैसे विषय को, ऐसे प्रकृति के प्रति हमारी शुरू से ही हमारी संस्कार रहे, संस्कृति रही है। हम तो पेड़ की भी पूजा करते हैं, ये हमारी संस्कृति रही है। इसलिए पर्यावरण के प्रति हमारा शुरू से ही सकारात्मक दिशा रही है। मुझे लगता है कि फिर एक नए संकल्प के साथ लॉयंस क्लब ने इस विषय को लिया है, आपके इस लक्ष्यों को हम पूरा कर पाएंगे। सरकारें अपने स्तर पर काम कर रही है, लेकिन मुझे आशा है कि जिस तरीके से लायंस क्लब का सोच है, थिंक ग्लोबल और एक्ट लोकल का, वो दिशा की ओर हम लगातार प्रयास करें। और अगर हम समाज के अंदर जो धीरे धीरे परिस्थितियां बन रही है, उन परिस्थितियों के अंदर अगर हम समाज को, हर व्यक्ति अपने दायित्वों को, कर्तव्यों को, जिस सोसाइटी में रह रहा है उसको पूरा करने की दिशा में काम करने लगे, सामूहिक रूप से, सामूहिकता की हमारी संस्कृति सामूहिकता से काम करने लगे, हम सब मिलकर वैश्विक चुनौतियां हो, भारत में जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों के लिए सामूहिकता के साथ मिलकर काम करें, सोसाइटी में डिस्कस हो, डिस्कशन हो, तो एक सकारात्मक दिशा हम बना सकते हैं। और यही आपने सकारात्मक दिशा की ओर कदम बढ़ाए हैं। मुझे आशा है कि दुनिया के अंदर जिस तेज गति से भारत हर क्षेत्र के अंदर नेतृत्व कर रहा है, आने वाला समय दुनिया के अंदर भारत का है, चाहे आर्थिक, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीति के अंदर लोकतंत्र हो। आज हम ये कह सकते हैं कि दुनिया के अंदर जब हम दुनिया के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो ये SDG का इंटर पार्लियामेंट यूनियन में डिस्कशन होता है, CPA के प्लेटफॉर्म पर डिस्कशन होता है। हमने पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पर SDG के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार, सोसाइटी, लोगों का क्या योगदान होना चाहिए, इस पर एक लंबी चर्चा की, डिबेट किया राज्य के विधानसभाओं में, पंचायतों में, नगर पालिकाओं में। हर व्यक्ति को SDG के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हमारा क्या योगदान हो सकता है, हम किस तरीके से SDG लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं, इस दिशा में लंबी चर्चा हुई है। और आज दुनिया के अंदर हमने जब उस समय आज़ादी के बाद जब भारत में संसदीय लोकतंत्र अपनाया तो दुनिया के देश मानते थे कि इतना बड़ा देश, इतनी भौगोलिक स्थिति, इतनी जनसंख्या, शायद ये लोकतंत्र को कायम नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में हमारा लोकतंत्र सशक्त भी हुआ है और जवाबदेह भी हुआ है। आज 1952 के अंदर जब पहला चुनाव था उसका मतदान प्रतिशत और हमारा 2019 का जो इलेक्शन है उसका मतदान प्रतिशत देखेंगे तो लगातार हर क्षेत्र के अंदर, युवा, महिलाएं, बुजुर्ग के अंदर जो मतदान का प्रतिशत बना है, इससे लगता है कि लोगों में लोकतंत्र के प्रति विश्वास बढ़ा है, भरोसा बढ़ा है। ये बात सही थी कि धीरे धीरे शिक्षा में हम काफ़ी पीछे थे, उस कारण से एक नई दिशा बनी, लेकिन हमारी सोसाइटी ने, समाजों ने उस समय, अब राजश्री जी, बिड़ला जी बैठी हैं, कितने स्कूल खोले उस समय, कितने समाजों ने स्कूल खोले, चिकित्सालय खोले, प्याव खोले, धर्मशालाएँ खोली, जो जिससे बन सकता था वो सब ने कंट्रीब्यूशन करते हुए आज सोसाइटी स्तर पर पहुंची है कि आज भी दूर दराज के गांव में, चाहे लायंस क्लब हो, चाहे रोटरी हो, अन्य क्लब हो, देखते हैं कि किस गांव में स्कूल नहीं है, 2 किलोमीटर दूरी पे, 3 किलोमीटर दूरी पे वहाँ स्कूल खुले, बच्चों को खुले, जो हमारे घुमंत जाति के लोग हैं उनके वहाँ स्कूल खुले, ऐसे बहुत सारी सोसाइटियाँ प्रयास कर रही है। एकल विद्यालय के रूप के अंदर दूर दराज के गाँव के अंदर स्कूल चल रहे हैं। तो शिक्षा व्यक्ति के जीवन को परिवर्तन करती है, जब जब शिक्षा और बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी देश आगे बढ़ेगा। और आज हम, हमारी ताकत जो है,
हमारे नौजवानों की बौद्धिक क्षमता, उनका रिसर्च, उनका इनोवेशन, उनकी नई सोच, नए चिंतन के कारण ही हमारी ताकत बढ़ी है। आज चाहे आईटी के सेक्टर में चल जाओ, चाहे डॉक्टर के सेक्टर में चल जाओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट, हर सेक्टर के अंदर भारत का नौजवान नेतृत्व कर रहा है। आने वाले समय में हमारी मानव संसाधन जितना स्किल्ड होगा, जितना दक्ष होगा, वही हम नेतृत्व कर पाएंगे। दुनिया के अंदर आबादी और स्किल्ड जो ताकत है वह कमजोर होती जा रही, भारत की ये लगातार बौद्धिक क्षमता, उनका स्किल, इनोवेशन, रिसर्च, नया सोच चिंतन बढ़ता जा रहा, उस दिशा के अंदर हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय के अंदर भारत नेतृत्व करेगा। और उसके लिए लॉयंस क्लब लगातार पर्सनालिटी डेवलप कार्यक्रम चलाती रहती है, लोगों के नए इंडस्ट्री सेक्टर के नौजवानों को किस तरीके से इंडस्ट्रीज का मैनेजमेंट करना है उनके बारे में सोच बदलाव लाने के लिए सकारात्मक दिशा करती रहती है। मैं आज उस मौके पर उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, जिन्होंने इस दिशा के अंदर सकारात्मक काम किया, समाज के लिए समर्पण के साथ काम किया, एक नई दृष्टि, नए विजन के साथ अपना कंट्रीब्यूशन किया, उन सब बधाई के पात्र हैं। और हम सबके सहयोग से आने वाले समय के अंदर दुनिया के अंदर भारत नेतृत्व करेगा, तो हमारे सामूहिक संकल्प के साथ करेगा, वसुदेव कुटुंबकम की संस्कृति के साथ करेगा, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय के साथ करेगा। और हमारा लक्ष्य है कि हम जब आज़ादी के 100 साल हों तो दुनिया के अंदर हर सेक्टर के अंदर भारत नेतृत्व करे, यही हमारी क्षमता बनेगी। आप सबको इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।